सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी देश में लोकतंत्र का जो महापर्व है, ठीक है, उसका बिगुल बज चुका है। इलेक्शन का ये माहौल चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में अभी यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है। और गोड्डा में जो इलेक्शन है वो काफ़ी नज़दीक है। 1 जून 2024 को हमारे गोड्डा में इलेक्शन होने वाला है। तो हम अभी निकले हुए हैं गोड्डा मार्केट के भागलपुर रोड में। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर ये रोड है, एक ऐसा रोड है गोड्डा का जहाँ पर मेन मार्केट लगता है और शाम के समय पे पूरा गोड्डा आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज बेसिकली आपको बताने वाले हैं लोगों के अंदर में किस तरीके से मानसिकता है वोट को लेकर, लोग वोट को किस तरीके से देखते हैं और वोट को किस तरीके से अपने आप में उसका क्या महत्व समझते हैं। हम लोग जानना चाहेंगे यहाँ पर, हम लोग किसी भी पार्टी, किसी भी पर्टिकुलर नेता को हम लोग कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता है। तो हम लोग बस वोटिंग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं लोगों के बीच में। तो हम लोग बस आइडिया लेना चाहते हैं कि लोग वोट को किस नज़र से देखते हैं और लोगों के लिए वोट की क्या अहमियत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और लोगों, अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है हमारे गोड्डा में वोटिंग के रिगार्डिंग। तो अभी भैया है भागलपुर रोड में, अपना गुपचुप का ठेला अभी जस्ट लगा ही रहे हैं, अभी आए ही हैं। तो भैया सबसे पहले क्या नाम है आपका, ये बताइए। विकास कुमार। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी 1 जून 2024 को हमारे गोड्डा में वोट है, तो आप वोट को किस नज़र से देखते हैं, आपके लिए वोट की क्या अहमियत है? वोट का अहमियत देखिए, नागरिकता है तो बस इसी वजह से दे रहे हैं, बाकी कोई मतलब प्रोग्रेसिंग पे वोट नहीं होना चाहिए। अच्छा। और हो भी नहीं रहा है, वैसा जो हम लोग चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो वोट देना मजबूरी है और इसी वजह से देना पड़ता है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वोट देना मजबूरी है? ऐसे कहते हैं तो कि हमारा राइट भी है और ड्यूटी भी है, अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है, तो बस उसी वजह से आप दे रहे हैं? हाँ, बस वो उसी वजह से दे रहे हैं, विकास के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। आपके नज़र में कोई भी लीडर मतलब नहीं, विकास नहीं, के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो बोलता है वो कभी नहीं होता है मतलब, और होगा भी नहीं। आप दिल से इस बार वोट नहीं देना चाह रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए वोट देना चाह रहे हैं? फॉर्मेलिटी के लिए दे रहे हैं कि नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, नागरिकता खत्म हो जाएगा, इसीलिए वोट देना हम लोग का मजबूरी है। आए दिन हम लोग यही बात सुनते थे और यही पर्पस के वजह से हम लोगों ने ये वीडियो को स्टार्ट किया है। लोग बोलते हैं कि यार वोट क्यों करें, ठीक है, वोट करने के पीछे रीजन क्या है, एक एक्चुअल रीजन ही नहीं मिल रहा है। अब हम लोग का जहाँ घर है वहाँ मुखिया जाता है, जब हम लोग बोलते हैं पांडू बताना पंचायत में पड़ता है, कहता है कि आपके इलाका में आदमी मेरा ज्यादा नहीं है, इसलिए रोड उड कुछ नहीं बनेगा, आप जाके देखिएगा एक बार। तो इतना गंदगी में हम लोग रह रहे हैं और मुखिया से कई बार बात की, ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो कहता है कि क्यों बनाएंगे, इधर आदमी ज्यादा नहीं है। तो इस तरह का बात है, मतलब नेता का बात जहाँ तक बोलिए ना, ऐसा बात बोलेगा लगेगा कि रोड बना के हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, तो हम लोग भी वोट दे रहे हैं मजबूरी से। बट कहीं ना कहीं तो उस नेता का वो काम है, उस नेता का वो धर्म है, उसका वो जिम्मेदारी बनता है कि वो समाज में लोगों के लिए काम करे। हाँ, वो तो बनता है, लेकिन तो ऐसा कहीं कुछ आप वोट इस बार मन से नहीं दे रहे हैं, देश के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, बस अपना फॉर्मेलिटी और अपना जो नियम है उसको। बिल्कुल 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 वही चीज। तो अभी हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर सबसे पहले क्या नाम आपका, ये बताइए। सुजीत कुमार मित्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? गोड्डा से। तो 1 जून 2024 को हमारे गोड्डा में मतदान है, इलेक्शन है, तो आप इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं, वोटिंग आपके लिए क्या अहमियत रखता है? वोटिंग एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र अहमियत रखता है पूरे भारतवर्ष हिंदुस्तान के लिए, और हम लोग वोट जो है किसी जाति धर्म इसके आधार पर नहीं, बल्कि विकास के आधार पर वोट देते हैं, इसको सबसे ज़्यादा अहमियत हम लोग देते हैं। सर देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग हमारे भारत में, हमारे शहरों में जाति के आधार पर काफ़ी ज़्यादा वोट करते हैं कि वो हमारे जात का है तो हम लोग उसको वोट देंगे, क्या ये सही है? और अगर ये गलत है तो लोगों को उसके जगह पे किस तरीके से, किस आधार पर वोट? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कोई यदि जाति के आधार पर वोट दे रहा है तो बिल्कुल गलत है, इस पर हम विश्वास तो किस आधार पर वोट करना चाहिए? वही विकास के बात पर, जो भाई साहब मेरा बोला कि विकास के, विकास के आधार, विकास के आधार। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एकदम 100% वोट करना चाहिए। कोई भी आदमी यदि छूट रहा है कि नहीं हम मतदान नहीं करेंगे, क्या मतलब है, वो एकदम उसकी सोच बेकार है। अच्छा, गोड्डा का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, 46 डिग्री तक पहुंच गया है, इतनी गर्मी होती है। अगर मान लेते हैं कि 1 जून 2024 को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, तो क्या आप इलेक्शन पोल पे पहुंचेंगे, बूथ पे पहुंचेंगे? बिल्कुल, हम तो हम 100% नहीं, और करेंगे पहुंचने के लिए। ये भी कह रहा हूँ कि हम तो वोट देवे करेंगे, लेकिन और गाँव घर से जितना भी है सबको प्रेरित करेंगे कि चलो अपना वोट, जो मत का अधिकार है कम से कम वो आकर के दें। चलिए लास्ट में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से वोट पे जाना चाहिए, किस तरीके से आप अवेयर करना चाहेंगे उन लोगों को? मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी गोड्डा वासी हैं,
वो जाकर के दूसरे को भी प्रेरित करे, सहयोग करे, सहयोग करके वोट देने के लिए प्रेरित करे और वोटिंग स्थान पे ले जाए, थोड़ा सहयोग करे ताकि वोट 100% सक्सेस हो। थैंक यू। तो फिर हमारे साथ एक और भैया मौजूद हो चुके हैं। भैया सबसे पहले आप ये बताइए क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता। तो आपका 18 साल पूरा हो गया, तो आप इस साल वोट देने के योग्य हैं कि नहीं, मतलब आपका नाम चढ़ गया है वोटर लिस्ट में कि नहीं? हाँ जी हाँ, नाम चढ़ गया है। तो पहली बार वोट देने वाले हैं कि इससे पहले वोट दिए हैं? नहीं, मेरा पहली बार होगा। पहली बार वोट है तो आप तो युवा वोटर हैं, न्यू वोटर्स हैं हमारे देश के लिए, तो आप वोट को किस तरीके से देखते हैं? आप सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपके जैसे जो भी नए वोटर्स हैं उन लोगों को आप ये बताइए कि वोट जो करना है वो किस आधार पर करना चाहिए, सबसे बड़ा बात ये बताइए। जैसे कि होता है ना गांव में विकास होना चाहिए, विकास को लेके जैसे कि घर में गांव में जैसे होता है कि चापाकल बोरिंग हो गया अपना घर में, जैसे कि खेती गृहस्थी में जो थोड़ा बदलाव होना चाहिए, किसान को भी थोड़ा बदलाव इसमें फ़ायदा मिलना चाहिए, ये सब को रिलेटिव से थोड़ा ऐसा होना चाहिए फ़ायदा। तो ओवरऑल आप भी विकास की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो लोग किस तरीके से मान के चलते हैं, अभी आप देख रहे हैं कितना गर्मी हो रहा है गोड्डा में, आज भले मौसम शांत है लेकिन हम लोग देख रहे हैं लगातार गर्मी काफ़ी ज़्यादा है गोड्डा में, तो इतनी गर्मी में भी आप वोट देने के लिए जाने, क्या एक्साइटमेंट है, पहला वोट है, क्या लग रहा है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक्साइटमेंट कितना है? बहुत ज़्यादा। सच में? बहुत ज़्यादा, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, गिन जिस तरीके से अपना बर्थडे एनिवर्सरी का इंतज़ार रहता है वो इंतज़ार है आप में कि नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों। अभी हम लोग हैं हमारे गोड्डा के चिल्ड्रन पार्क में और हमारे साथ अभी एक अंकल मौजूद है। अंकल सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वर सिंह है। अच्छा, तो हमारे गोड्डा में आप जान ही रहे हो कि 1 जून 2024 को वोट है, मतदान है, जो कि बहुत ही बड़ा पर्व है हमारे पूरे राष्ट्र का, तो क्या आप इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं, वोट देने के लिए जा रहे हैं कि नहीं? एकदम जरूरी, महापर्व में जो है शामिल होना ही चाहिए। जो तो आप वोटिंग को किस तरीके से देखते हैं? हम वोटिंग को देखेंगे आज के नौजवान जो है को सजेशन देंगे, विचार देंगे कि जो है वो विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और जो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा विकास करती है उसके तरफ जो है ना विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं कि ना सामाजिक तौर पे कहते हैं कि यार ये हमारे कास्ट का है, ये हमारी जाति का है, ये धर्म का है, तो उसके आधार पे बहुत सारे लोग वोट कर देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो भले ही उनका जात का है, भले ही उनका धर्म का है, लेकिन वो एक सही देश का लीडर नहीं हो सकता, वो देश को सही से नहीं चला सकता है। तो क्या ये सही है, क्या लोगों को जाति के धर्म के आधार पे बेस पे वोट करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो उनको किस आधार पे वोट करना चाहिए ताकि हमारे देश के अंदर पे एक सही लीडर चूज करके आए और वो देश का फ्यूचर विकास कर पाए? हमेशा जो है ना जाति धर्म को छोड़ करके विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए और विकास के ऊपर जो है ना ध्यान देकर उसको वोटिंग देना चाहिए। जो सरकार जितना विकास करती है उसके तरफ जो है ना हमको ध्यान देना चाहिए, जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बिल्कुल विकास के आधार पर जाना चाहिए। आप कैसे लोगों को गोड्डा वासियों को कहना चाहेंगे कि वो 1 जून को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इलेक्शन बूथ पे पहुँचे और अपना मतदान डालें? इसलिए कि ये जो है हमारा वोटिंग जो है ये हमारा धर्म है, उत्सव है, पर्व के रूप में है, इसलिए इसमें सब जितने भी जो है ना नौजवान जागरूक होंगे वो सब होकर के आकर के वोट दे और वोट दे करके जो सरकार विकास के पक्ष में है, विकास कर रही है, उसको हम वोट दे। चलिए, तो हमारे साथ फिर से चिल्ड्रन पार्क में यहाँ पर दो युवक मौजूद हैं, हम लोग जाना चाहेंगे। सर सबसे पहले क्या नाम आपका ये बताइए? मेरा बॉबी झा है। और आपका क्या नाम है? सावन कुमार। तो आप लोग वोट देने के योग्य हो चुके हैं कि नहीं? हाँ जी। हाँ, आप लोगों ने वोट दिया है कि पहली बार देने वाले? ये दूसरी बार। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। हाँ, इसमें जरूर देना चाहेंगे हम। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट वोट है तो आप इसके लिए कितना एक्साइटेड है, क्योंकि 1 जून 2024 को आप पहली बार वोट देने वाले हैं अपने देश के लिए, तो क्या एक्साइटमेंट है आपके अंदर? पहला बार सबको एक्साइटेड रहता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, तो बिल्कुल 1 जून को जो है हम उसमें वोट देने जरूर जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं कि कब 1 तारीख आएगा और मत डालेंगे? बिल्कुल। तो आप किस आधार पर वोट डालने वाले हैं, किस आधार पर आप वोट डालें, क्या रहेगा आपका एजेंडा वोट डालने के लिए, किस नेता को चूज करना है, तो किस बेसिस पे आपका कास्ट देखने वाले हैं, धर्म देखने वाले हैं, डेवलपमेंट देखने वाले हैं, किस आधार पर आप इस बार वोट करेंगे? कास्ट धर्म ये सब तो मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहेंगे, विकास रोजगार हो, गोड्डा नाम हो, बस इसी के तौर पे हम वोट देना चाहेंगे। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो युवक है आज के डेट पे जो पहला वोट डाल रहे हैं ये तो विकास के आधार पे देखना चाहते हैं, आप एक बार जो वोट दिए थे पिछले बार
आपने, आपको बताना नहीं है कि आपने किसको वोट दिया था, उसको नजर में रखते हुए आपको बताना है कि आपने पिछले बार जिसको वोट दिया था क्या वो सही डिसीजन था आपका? पहले पिछले बार दिया हुआ जो मेरा वोटिंग था वो मेरा सही डिसीजन था, और हमने जिसे भी अपना अपना कीमती वोट दिया था उसने विकास के क्षेत्र में अच्छा काम अपना किया था। अच्छा, यानी कि आपने भी पिछले बार जब वोट दिया था तो विकास के ही आधार पर हमने दिया था। तो शिक्षा स्तर वगैरह को देखते हैं कि नहीं आपने? हाँ, शिक्षा स्तर को भी देखते हैं। आपके नजर में अगर कोई हम लोग लीडर चूज कर रहे थे उसके लिए क्या वो पढ़ा लिखा होना चाहिए? हाँ, ये तो सबसे मैंडेटरी होना चाहिए कि आज के समय में कोई भी आप जिस को भी चुनते हैं तो वह सबसे पहले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, और हमारे आसपास में हम लोगों के बीच में संपर्क में हमेशा होना, ताकि हमारी बातों को उनके पास हमेशा पहुँच सके। दोस्तों, आप जैसे कि लगातार देख ही पा रहे हैं कि हम लोगों ने आज पूरे गोड्डा में हम लोगों ने अलग अलग लोगों से बातचीत किया और जानने का प्रयास किया कि वो वोट को किस तरीके से देखते हैं। तो आज का पूरा जो यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आता है कि लोग वोट को एक तरीके से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वोट फॉर्मेलिटी के लिए वो दे रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हम वोट ज़रूर करेंगे, हम वोट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। बट अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि आप वोट को चाहे जिस भी नज़र से देखते हो, आपके लिए कोई लीडर अगर अच्छा नहीं है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, नोटा पे आप जाके दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग मात्रा में पहुँचे, हर किसी को वोट करना चाहिए, आपका वोट कंपलसरी है। आप किसी अगर नेता को पसंद नहीं करते, किसी लीडर को पसंद नहीं करते हैं तो भी वोट देने के लिए जाएं, नोटा ही दबा के आएं, लेकिन जाएं। और अगर आपको कोई पसंद है जो आपके देश का विकास कर सकता है, उसी नेता को इस बार वोट दें और वैसे ही लीडर को लेके आएं अपने देश में जो आपका देश का कल्याण कर सके, आपके देश में उज्ज्वल भविष्य बना सके। तो बस आज के वीडियो में हम लोगों ने यही जाना कि किस तरीके से लोग अभी वोटिंग को देख रहे हैं। हम लोग अगले वीडियोज में जाने का प्रयास करें कि जो यूथ से हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करने का कोशिश करेंगे कि यूथ कैसे देखते हैं वोट को जो पहला वोट करने वाले हैं। तो बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, आपको 1 जून 2024 से पहले बहुत सारे अपडेट्स बताएंगे गोड्डा में किस तरीके से अभी गोड्डा में वोटिंग माहौल चल रहा है।